नमस्कार, मैं चंचल शिवदंशी, चित्रकूट संवाददाता, सक्षम न्यूज इंडिया। देश एवं प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इस बारे में आइए जानते हैं ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार सर जी से। जी सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में नए नए केस आ रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी हुई है कि सभी लोग फेस मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। हमने ग्रामोदय विश्वविद्यालय में यह आदेश जारी किया है कि इन सभी कोरोना से बचाव के तरीकों को कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही जो लोग बगैर मास्क के पाए जाएंगे उन पर 100 रुपए का अर्थदंड का भी निर्देश दिया है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जगह जगह वीडियो कैमरे सब लगे हुए हैं और यदि कोई उनमें भी पाया जाता है तो उनको भी दंड दिया जाए, 100 रुपए का दंड देना होगा। जिससे कि यह 100 रुपए का दंड इसलिए है कि लोग उसकी गंभीरता को समझें, साथ ही साथ कोविड से अपने को बचाएं और दूसरों को भी। ये अति आवश्यक है। मेरा पुनः सबसे आग्रह है कि कोविड से बचाव के जितने निर्देश हैं उनका पालन आवश्यक रूप से सभी लोग करें, चाहे छात्रों, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी। मेरा सभी से पुनः अपील है, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।